आर्किटेक्चर एंड नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वहाँ पे जो है खुदाई का काम बहुत ही तेज़ी से संयोजित हो रहा है। यानी कि आप साफ साफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी जो है दिक्कत जो होती थी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, वो काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये गुरुदेव पैलेस के सामने वाला जो चौराहा है, वहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं। जो अंदर की वजह जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में काफ़ी हर तरीके से काफ़ी फास्टली वर्क चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है 2021 तक जो है कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो दिक्कतों की परेशानी होती थी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में वो नहीं हो सकेगी। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कानपुर के लोगों का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और ये कानपुर स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा बेमिसाल एग्जाम्पल होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ पर काफ़ी जो दिक्कतें और परेशानियाँ होती थी वो नहीं हो सकेगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपका जो कानपुर है, यानी कि हमारा जो कानपुर महानगर जो ये डिस्ट्रिक्ट है, वो काफ़ी उज्जवल और सफल होने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।